हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिम्बाब्वे टी10 लीग मैच की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला CTSA बनाम JBL के बीच दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं है, लास्ट में आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करूँ फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों CTSA से रोमल्ला गुरबाज, टीम अरुमानी, वानका राजपक्ष, करीम जरत, एम ब्रिड्स, सेन विलियम्स, पेटर हेड जुगलो, सेपस जुवाओ, पार्थिव पटेल जो कि दोस्तों कैप्टन है CTSA के, रिचर्ड्स नगवा एंड मुजीबुर रहमान। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि CTSA के प्लेइंग 11 है। बात करें फ्रेंड्स JBL की प्लेइंग 11 की, टॉम एंटोन, मिल्टन शोभा, मोहम्मद हफीज जो कि दोस्तों कैप्टन है JBL के, यूसुफ पठान, रवि वापरा, मुस्फिर रहीम, विक्टर नैफी, जूनियर दला, डब्लू मस्कदा, बी मुजरवानी एंड नूर अहमद। दोस्तों आप ही प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि JBL की प्लेइंग 11 है। बात करें मैं 20 मिनट पिच रिपोर्ट की, बता दूं दोस्तों ये मुकाबला 26 जुलाई वेडनेसडे को रात को 10:30 बजे से ये मुकाबला एरे स्पोर्ट क्लब में ये मुकाबला दोस्तों खेला जाएगा जिम्बाब्वे में। बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों आपको बता दूँ ये बैटिंग पिच है। अभी तक टोटल यहाँ 38 मैचेस खेले गए हैं दोस्तों, जो कि बैटिंग पहले करने वालों ने यहाँ पर 23 मुकाबले जीते हैं एंड बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों यहाँ पर 15 मुकाबले विन किए हैं फ्रेंड्स। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच हुआ है, 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करूँ मैच प्रूफ की, उससे पहले बताऊँ दोस्तों इस मैच में 2000 रुपये का फ्री गिव रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोस्टो 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोस्टो 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोस्टो 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दूँ JBL जो कि गुड फॉर्म में या रिसेंट मैचेस में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। टॉस फेट से बात करूँ, आज का टॉस से कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज के टॉस से CTSA टॉस जीत सकती है एंड पहले दोस्तों बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ दोस्तों, करीम जरत को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो, एंड रोमल्ला गुरबाज को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। दोनों खिलाड़ी आपके लिए जो स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। हेड टू हेड की बात करूँ CTSA जो कि एक हेड टू हेड मुकाबला विन किया है एंड JBL जो कि एक भी हेड टू हेड मुकाबला विन नहीं किया है। लाइव टेलीकास्ट आप स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हो। पॉइंट टेबल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो पहले स्थान पर CTSA जो कि 6 मुकाबले से 4 मुकाबला विन किया है एंड JBL जो कि दोस्तों चौथे स्थान पर 6 मुकाबले में से 2 मुकाबला विन किया है। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो टॉप ऑर्डर बैटर आप जरूर पिक करिए, डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग रहे हैं उनके लास्ट ओवर के लेने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में जरूर शेयर कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। विकेट कीपर में रोमल्ला गुरबाज आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे एंड पिच जो कि दोस्तों पेसर और स्पिनर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिलने वाली है। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ दोस्तों, JBL जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज ए CTSA टीम से, तो अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर JBL के पिक कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ी जो कि CTSA के हैं जिनको अपनी टीम में जल्द से करिए, रोमल्ला गुरबाज, टीम अरुबानी, वानका राजपक्ष, करीम जनत, सेन विलियम्स, पेटर हेडजोगलो, पार्थिव पटेल। दोस्तों आप ये खिलाड़ी देख सकते हो जो कि CTSA की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। बात करूँ मैं कुछ खिलाड़ी जो कि JBL की तरफ से रहे हैं, टॉम एटॉर, मोहम्मद हफीज, रवि बोपरा, सोनिया दला, डब्लू मस्कदा, बी मुजरवानी एंड नूर अहमद। दोस्तों आप ये खिलाड़ी देख सकते हो जो कि JBL की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ मैं, तो रोमल्ला गुरबाज को एज अ वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो एंड करीम जनत को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। मोहम्मद हफीज को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर से कर सकते हो फ्रेंड्स। डब्लू मस्कदा एज अ वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। इंजर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है। बात करूँ अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों आपको बता दूँ विकेट कीपर में मैंने टॉम बेंटोन को सिलेक्ट किया है, बैट्समैन है दोस्तों वानकर आसपास, टीम अरुमर, एम सुम्बा, यूसुफ पठान को दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में एज ए बैट्समैन सेलेक्ट किए हैं। ऑलराउंडर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो एस विलियम्स को सिलेक्ट किया है, करीम जनत को सिलेक्ट किया है एंड मोहम्मद हफीज को दोस्तों सेलेक्ट किया है एज ऑलराउंडर। बॉलर में दोस्तों पे एड्सोग्लो, वी नवसी,
डब्लू मस्करा को दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में सेलेक्ट किया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो कैप्टन जो कि करीम जन्नत को बनाया है, वाइस कैप्टन दोस्तों यूसुफ पठान को मैंने अपनी फैंटेसी टीम में बनाया है। फ्रेंड जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए और फैंटेसी टीम पर एक्सेल आता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यूज वीडियो में एक्सेल वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।